Hello, welcome back on my YouTube channel. This is Amit Singh, and as you know, we are discussing the series of IS 456 2000 code summary. In this summary, now we are discuss part number 10. Okay, other part like part number 1 to 9 are available in description box. You can see, and part number 9 available in this I icon. ओके यहाँ पर जो आई बटन है, इस आई बटन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पार्ट नंबर 9 देख सकते हो. और बाकी जो आपको पता है कि ये जो IS 456 कोड है कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमको कितना ज़रूरी है पढ़ना हमारे लिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इन दिस सीरीज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द IS 456 इज डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया. ओके, हाउ टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन. लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी, उसमें एक चीज़ मिस कर दी थी मैंने, जो नहीं बताई थी वो एक बार और देख लेना. यहाँ पर एक लाइन थी वो मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी. ठीक है, होता क्या है कि जब भी हम इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करते हैं, इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ की बात करते हैं, फ्लेंज में क्या होता है कि आपकी जो फ्लेंज की विड्थ है ना, नो केस ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ वेव प्लस हाफ सम ऑफ द क्लियर डिस्टेंस टू द एडजेसेंट बीम ऑन आइदर साइड. इफेक्टिव विड्थ जो भी आप निकालोगे, ठीक है ना, फ्लेंज विड्थ जो आएगी आपकी, इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, वो आपकी कभी भी ज्यादा नहीं होगी. किससे ज्यादा नहीं होगी ये बात करते हैं. तो देखो, अगर जैसे आपका आपका बीम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बीम दे रखा है आपको, और देखिए ये तो होगी आपकी फ्लेंज है, ठीक है ना, उस फ्लेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस फ्लेंज की विड्थ होगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना. तो ये जो वेव है, ये ऊपर जो फ्लेंज है, ठीक है, ये तो होगी आपकी फ्लेंज ऊपर वाली, और नीचे हो गई वेव. अब देखो इस फ्लेंज की जो विड्थ है कितनी विड्थ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल विड्थ होगी, ये जो फ्लेंज की इफेक्टिव विड्थ है बीएफ, ये कभी भी है ना ज्यादा नहीं हो सकती. किससे ज्यादा नहीं हो सकती, एक तो आपकी फ्लेंज की वेव जो है, ये जो वेव है इसकी विड्थ है बीडब्ल्यू प्लस एल बाय टू ऑफ दिस सेक्शन, यानी एल वन बाय टू बोल देता हूँ, प्लस एल टू बाय टू ऑफ दिस सेक्शन. ठीक है, इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती आपकी फ्लेंज की विड्थ. ठीक है, इनसे कभी ज्यादा नहीं होगी, इनसे हमेशा ही कम होगी. ये कौन बताता है, ये कोड बताता है. तो जो भी हमने बीएफ के जो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूले में ध्यान रखना है, कभी भी अगर हमारा आंसर, ठीक है ना, कभी भी हमारा आंसर अगर इससे ज्यादा आ रहा है, तो हमको आंसर जो बीएफ का फॉर्मूला वहां से आया वो नहीं देना, आंसर हमको ये पुट करना है. ठीक है ना, इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना. कई बार क्या कंफ्यूज कर देता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही हैं, इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेंज की जो विड्थ है बीएफ, वो कभी भी ज्यादा नहीं होगी आपकी जो विड्थ ऑफ द वेव है बीडब्ल्यू, ठीक है, प्लस आपके लेफ्ट साइड का जो स्पान है उसका हाफ, प्लस राइट साइड के स्पान है उसके हाफ, इनके सम से कभी भी ज्यादा नहीं होगी, इन तीनों के सम से. ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की लिमिट्स के बारे में, कि कैसे कैसे आप इनको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं. देखिए, चलिए आपके अंदर बनाए कि स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो होता है, ठीक है ना, जिसको हम एल अपॉन डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, किससे, एल अपॉन डी रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, एल अपॉन डी रेशियो बोलते हैं, और ये हर बीम के लिए फिक्स है. ठीक है, हम अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, बीम के लिए और वन वे स्लैब के लिए. इस बात पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं बीम के लिए, ठीक है, और स्लैब के लिए. अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना, स्लैब कौन सी है, ये वन वे स्लैब है. ठीक है, वन वे स्लैब और बीम के लिए क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका बीम कैंटिलीवर है, तो आपके लिए एल अपॉन डी जो रेशियो है वो कितना होगा, 7 होगा. सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, कंटिन्यूस के लिए ये 26 होता है. तो अब देखो, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एल अपॉन डी रेशियो जो होता है उसके क्राइटेरिया हैं कितने हैं, 7 है, 20 है और 26 है. ये हमारा कैंटिलीवर के लिए, 20 हमारा सिंपली सपोर्टेड है, और कंटिन्यूस के लिए कितना है, 26 है. तो ये तीनों आपको याद रखने, और ये तीनों क्राइटेरिया एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखना, ये टू वे स्लैब के लिए नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये टू वे स्लैब के लिए बिल्कुल नहीं है. ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है किसके लिए, अगर आपका स्पान 10 मीटर तक का है, तो 10 मीटर का स्पान है तो ही ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे, एल अपॉन डी रेशियो 7:20:26 होगा, अदर देन ये चेंज हो जाएंगे. अब कितना चेंज होगा, किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, इसके बारे में भी कोड ने बोला है. अगर आपका स्पान 10 मीटर से ज्यादा है, तो आपको क्या है, एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक फैक्टर, वो फैक्टर क्या होता है, 10 अपॉन स्पान. ठीक है, 10 अपॉन स्पान से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 20 मीटर का स्पान है, कितना है, 20 मीटर का स्पान है, और बीम आपको बोल दिया सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो भाई मुझे पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एल अपॉन डी रेशियो 20 होता है, बट 10 मीटर के लिए होता है ये, है ना, 10 मीटर के लिए होता है 20, अभी चेंज कर दिया तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, कितना,
10 अपॉन एल, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 20 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 20, तो 20 से 20 कैंसिल होकर आंसर आ गया 20, तो एल अपॉन डी 10 आ गया, मतलब एल अपॉन डी की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब ये फैक्टर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये कौन बोलता है, ये कोड बोलता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको बोल दिया कैंटिलीवर है, एल अपॉन डी की वैल्यू कैंटिलीवर के लिए कितनी होती है 7 होती है, लेकिन अब आपके पास कितना है 20 दे रखी है बीम, तो आप क्या करोगे 7 को मल्टीप्लाई करोगे एल अपॉन 10 अपॉन एल से। अब एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है मान लीजिए, तो अब क्या करना पड़ेगा आपका आंसर हो जाएगा 70/20, एल अपॉन डी की वैल्यू चेंज हो गई। तो एल अपॉन डी चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है आपकी लेंथ क्या है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एक मॉडिफिकेशन फैक्टर भी आता है। मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या करता है कि ये मॉडिफिकेशन फैक्टर के हिसाब से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। उसके लिए एक फिगर दे रखा है फिगर नंबर 4, एक और मॉडिफिकेशन फैक्टर है फिगर नंबर 5 में। एक तो टेंशन मेंबर के लिए, एक होता है कंप्रेशन मेंबर के लिए, दोनों समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन फैक्टर की बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट, अगर टेंशन रेनफोर्समेंट की बात करता है तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। देखो वाई एक्सिस में क्या है मॉडिफिकेशन फैक्टर अपने पास में, और एक्स एक्सिस में आपके पास है परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट, कि कितना रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड किया गया। जैसे मान लेता हूं कि अगर मुझे किसी ने बोला है कि 1.6% का टेंशन रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया हुआ है, और एफएस की जो वैल्यू है, और अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि एफएस की वैल्यू क्या होती है। मान ली एफएस की वैल्यू 145 दे दी मुझे, अभी बताऊंगा एफएस कैसे निकलता है। तो देखो 145 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली 145 वाली लाइन है, ये 120 की लाइन है, ठीक है ना। ये कौन सी 190 तो 145 की लाइन कौन सी है, ये सेकंड लाइन है। अब यहां से देखोगे तो ये पॉइंट यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। इसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट है, 1.2 है, यानी कि मॉडिफिकेशन फैक्टर फोर टेन परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट 1.6 एंड एफ एस 145 इज 1.2, तो 1.2 आपको फैक्टर मिल गया। इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो एफ एस की वैल्यू निकल जाती है इस फॉर्मूले से। एफ एस का फॉर्मूला होता है 0.58 मल्टीप्लाई एफ वाई, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड, दोनों ध्यान रखना, तो रिक्वायर्ड तो ऊपर आती है और ए एस प्रोवाइडेड नीचे आता है, ध्यान रखना रिक्वायर्ड ऊपर आती है और प्रोवाइडेड नीचे आती है। ये फॉर्मूला होता है किसका, एफ एस निकालने का। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव पेपर की, अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि आपके जो परसेंटेज रेनफोर्समेंट है उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू चेंज होती है नहीं होती है, तो बिल्कुल हाँ चेंज होती है, और इससे डायरेक्टली कोई और क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन हाँ उससे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपका स्पान 10 मीटर से ज्यादा है तो एक फैक्टर आता है 10 अपॉन एल, ध्यान रखना ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, लेकिन इससे नहीं पूछा गया। ऐसे ही कंप्रेशन रेनफोर्समेंट होता है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए भी मॉडिफिकेशन फैक्टर वर्क करता है, जैसा अभी हमने देखा है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्राफ होता है, ठीक है, सेम यही कंसेप्ट अप्लाई होता है किसके लिए, फ्लेंज वेब विड्थ के लिए, ये किसके लिए करता है, अगर आपका रेशियो ऑफ वेब विड्थ टू फ्लेंज विड्थ के लिए आपके पास वैल्यू दी हुई होगी और रिडक्शन फैक्टर यहां पर दिया हुआ होगा, ठीक है, तो ये कब काम करते हैं, जब आपके पास में फ्लेंज वगैरह फ्लेंज बीम वगैरह दी हुई होती है उस केस में काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ होता है कि एग्जाम में इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, और आशा करते हैं आएगा भी नहीं, ठीक है, इतने ज्यादा हार्ड या इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में हमारे, क्योंकि ग्राफ में कितनी कितनी चीजें हम याद कर सकते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट चीज है जो हमको याद रखनी है और ये एग्जाम में आती ही आती है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लेटरल स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, स्लेंडरनेस लिमिट फॉर बीम टू एंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीम की, मैं फिर बोल देता हूं हम बीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है कि बीम की जगह पर कॉलम भी पूछ लेता है और कॉलम का क्राइटेरिया चेंज है। देखो अब बात करते हैं बीम, बीम भी कौन सा बीम है, देखो सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम शैल बी प्रोपोर्शनल that the clear distance between the lateral restraint does not exceed 60b or 250b square upon d, whichever is less. इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको लेना है। ये क्या है, ये lateral restraint है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है ना। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम लेनी है, जो भी कम होगी वैल्यू वो आपको लेनी है। d क्या है, d इफेक्टिव डेप्थ है बीम की, और b क्या है, b है विड्थ, कंप्रेशन फेज जो होगा उसकी विड्थ है, और ये ध्यान रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मैंने बताया है, ये बताया सिंपली सपोर्टेड के लिए और कंटिन्यूस बीम के लिए। कैंटिलीवर के लिए क्या होता है, कैंटिलीवर के लिए भी सुन लो, कैंटिलीवर के लिए 25b एंड 100b स्क्वायर अपॉन डी, ये किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए। तो दोनों क्राइटेरिया याद रखना है, कैंटिलीवर के लिए कौन सा है सिंपली सपोर्टेड, और अपने पास में कंटिन्यूस के लिए कौन सा है। देखो वापस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ याद करने का तरीका, देखो क्या रख सकते हो आप 60b है ना, और आपके पास कौन सा क्राइटेरिया दे रखा है, ये क्या 250
बी स्क्वायर अपॉन डी, एक तो ये क्राइटेरिया है अपने पास। दूसरा क्राइटेरिया है 25B और 100 बी स्क्वायर अपॉन डी। अब दो क्राइटेरिया यहां पर भी, दो क्राइटेरिया पर भी, इनमें से जो लेस होता है वो हमको लेना होता है, जानकर जो कम वाला होगा वही लेना होगा। लेटरल एक्सटेंशन कितनी डिस्टेंस हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और ध्यान रखना ये लेटरल स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, किसके लिए, बीम के लिए। अब देखो यहां पर ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होते हैं, जनरली ज्यादा होते हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर आता है 60, यहां आता है 25, ध्यान रखना यहां आता है 60, यहां आता है 25, यहां तो 250, यहां आता है 100। तो ज्यादा किसके लिए आता है, ज्यादा आता है कंटिन्यूस के लिए, और सिंपली सपोर्टेड कम आता है किसके लिए, कैंटिलीवर के लिए। और कोई इसको याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, कम और कंपैरिजन याद करके याद रख सकते हो कम का ज्यादा किसका आता है। तो यहाँ 250 आएगा या 100 आएगा, या 60 आएगा या 25 आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर पॉइंट डी, बी स्क्वायर पॉइंट डी दोनों जगह पर आएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो लेटरल स्टेबिलिटी हुई किसके लिए, बीम के लिए। आपसे सिंपली सपोर्टेड के लिए मैंने बता दिया, कंटिन्यूस के लिए बता दिया और कैंटिलीवर के बता दिया। लेकिन एक चीज है जो मैंने नहीं बताई है, वो क्या, कि एल अपॉन डी रेशियो टू वे स्लैब अगर दे दी आपको, तो टू वे स्लैब के लिए क्या होगा, ठीक है ना, कि टू वे स्लैब अगर होगी तो टू वे स्लैब के लिए एल अपॉन डी रेशियो कितना होगा। तो ध्यान रखना टू वे स्लैब के केस में एल अपॉन डी रेशियो की वैल्यू चेंज होती है, सिंपली सपोर्टेड की 35 होती है और कंटिन्यूस के लिए 40 होती है। अब इस चीज में भी एक चीज ध्यान रखना कि 35 और ये 40 जो मैं बता रहा हूं, इनके लिए क्राइटेरिया होता है कि ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू किसके लिए है। देखो इसमें दो केस होते हैं, एक तो होती है एच वाई एच डी बार के लिए, और एक होता है माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। तो माइल्ड स्टील और एच वाई एच डी दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखो सुनो क्या लिखा हुआ है नीचे, फॉर हाई ईस्टर्न डिफॉर्म बार, फॉर एच वाई एच डी बार यानी कि 415, द वैल्यूज गिवन अबव शुड बी मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो यहां पर इन्होंने खुद ने लिखा हुआ है कि अगर एच वाई एच डी बार होगी तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर जो वैल्यूज दी हुई वो। यानी कि एक चीज समझ में आती है भाई, क्या कि 35 और 40 का जो क्राइटेरिया है मेरे पास में, ये क्राइटेरिया किस तरह से चेंज होता है। देखो उन्होंने बोला है कि एक तो है सिंपली सपोर्टेड बीम, एक है कंटिन्यूस बीम, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस है। सिंपली सपोर्टेड की वैल्यू है 35, कंटिन्यूस के लिए है 40। और ये किसके लिए दी हुई है, ये है माइल्ड स्टील के लिए, ध्यान रखना किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए। अगर इन वैल्यूज को चेंज करना हो किसमें, एच वाई एच डी में चेंज करना हो, ध्यान रखना इन वैल्यूज को एच वाई एच डी बार के लिए चेंज करना हो, तो ये वैल्यू कितनी चेंज हो जाती है, ये 35 की जगह कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 0.8, और इसको एच वाई एच डी में चेंज करना कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 0.8। तो 8 × 32 यानी कि 32 हो गया, और 8 × 5 = 40 का 0, और 8 × 3 = 24 एक, और ये कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो एक चीज मैं यहां याद रख सकता हूं कि 35 और 28, 40 और 32, ये चार वैल्यूज होगी मेरे पास में। अब देखो याद कौन सी रखनी है, याद आपको दो ही रखनी है, एक तो 35 और एक 40। 35 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 40 को भी 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे एच वाई एच डी में चेंज हो जाते हैं। तो भाई अगर बोलेगा टू वे स्लैब है, ठीक है, तो टू वे स्लैब के लिए मेरे पास वैल्यूज हैं, और अगर बोलेगा वन वे स्लैब है तो वन वे के लिए क्या है भाई, वन वे के लिए मेरे पास में तीन वैल्यूज हैं, क्या, 7, 20 और 26। ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, एक फैक्टर आ जाता है टेन अपॉन एल का, अगर स्पान आपका 10 मीटर से ज्यादा है तो। एक रिडक्शन फैक्टर आता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है, उनसे इक्वेशन आता नहीं है, ग्राफ है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। तो कितनी वैल्यूज, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 35, 40, 28, 32, चार क्वेश्चन यहाँ से और तीन क्वेश्चन यहाँ, 7 और 1 इसके ऊपर क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन सकते हैं, और बने भी हैं, एग्जाम में आए भी हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, और इनकी प्रोबेबिलिटी है वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉलम के बारे में, ठीक है ना, कॉलम से के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है कॉलम के लिए बात करेंगे। अभी फिलहाल हमने स्लैब और बीम से रिलेटेड जो भी कोडल प्रोविजन है डिफ्लेक्शन के वो देखे थे, और फिर एंड में क्या होगा, इस कोड को इसके बाद में क्या होने वाला है कि मैं आपको जैसे LSM थ्योरी है और एक आपको पता है WSM थ्योरी है, तो अभी हम LSM के बारे में सारी चीज़ें LSM के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, WSM हमने डिस्कस नहीं किया अभी, तो WSM के लिए फिर बाद में वीडियो बनाऊंगा मैं, ना तो इसी में लास्ट में आपको लास्ट में क्या होगा WSM के बारे में बताऊंगा कि WSM में क्या कोड और प्रोविजन थे, WSM के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें थी, जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में क्या है, WSM में अलग फॉर्मूले होते हैं तो क्या फॉर्मूले होते हैं, कोड में कहाँ अवेलेबल है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को
शेयर करना है अपने दोस्तों को, ग्रुप्स में शेयर करना है। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं रेगुलरली आपको वीडियो मिलते रहें, तो आपको वीडियो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है कि मैं आपको एस्टीमेट की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की वीडियो प्रोवाइड करूंगा एसएससी लेवल के, एसएससी जेई एंड स्टेट जेई के जो भी पेपर होते हैं उनके लिए आपको क्या है एस्टिमेशन की वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो अगर आप चाहते हैं ये वीडियो आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और स्पेशली अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पर आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो मिले या पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाऊँ जो आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू।